मेरे पेरेंट्स को कभी अंदाजा नहीं था कि मैं कला को पूरी तरीके से अपना पैशन से प्रोफेशन की तरफ लेके जाऊंगा और एक दिन मैंने जब डिसीशन लिया कि मैं आज जॉब के लिए अपना फाइनल लेटर छोड़ने के लिए लगा दूंगा तो वो दिन था जब उनको 440 वोल्ट का जो मैं कहूँगा कि झटका लगा था जो उत्तर भारत की जो समझ है यूपी की पुरुषों का पैर में घुंगरू पहनने की जो समझ है वो थोड़ा हटके है तो उनको बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि आ, एक पुरुष का नृत्य भी नृत्य हो सकता है लेट्स टॉक अबाउट स्टिग्मा ऑफ डांस अगर आप कहते हैं कि दक्षिण भारत से ही इसका उद्गम है उद्भव है तो ऑन फिंगर काउंट आप चेक करके बताइए कि कितने ऐसे परिवार हैं जहां से पुरुष सहभाग ले रहे हैं इसमें है, आपका क्या दृष्टिकोण है वो वंशवाद के लिए बहुत जरूरी है हमें अपनी जेनरेशन को रेडी करके रखना होगा कि पे फॉर दी आर्ट बिकॉज इट इज नॉट जस्ट एन एं एंटरटेनमेंट <णणरण दिन्दाथा> <णण> सेव्यमान पावनाघ्रिपङ्कजं सेव्यमान पावनाघ्रिपङ्कजम् देवराजसेव्यमान पावनाघ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपा कृ जी नमस्कार आपका बहुत स्वागत है आज के पर्सनालिटीज थ्रू वन लेंस के विशे इस विशेष कार्यक्रम में आपकी जो नृत्य कला और चित्रकला दोनों का जो आपका परिचय है इन दोनों विधाओं से आपका परिचय कैसे हुआ प्रारंभ नृत्य कला और चित्रकला अगर मैं अपनी भाषा और अपनी समझ में कहूँ तो कहीं ना कहीं दोनों ने खुद मुझे चुना मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि प्रयाग की भूमि संगम नगरी में, में मेरा जन्म हुआ और कला से अपने आप ही सास्वरूप परिचय हो गया नृत्य कला से मेरा परिचय मेरी प्रथम गुरु के आगमन से हुआ श्रीमती चित्रांगदा जैन जी जिन्होंने मुझे सबसे पहले मेरा प्रशिक्षण उड़ीसी नृत्य में शुरू किया और कुछ वर्षों बाद उन्होंने मुझे भरतनाट्यम नृत्य शैली में आ, नृत्य सिखाना शुरू किया चित्रकला एक ऐसी चीज़ थी जो समय के साथ बचपन से जिसमें अभिरुचि थी मुझे ऐसा हमेशा लगता है जैसा मैंने कहा कि चित्रकला और नृत्यकला दोनों ने ही मुझे चुना था और समय के साथ जब मैं यहाँ पे ही एक काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है जवाहर बाल भवन जब मैं वहाँ गया तब मुझे समझ आया कि शायद मेरी अभिरुचि चित्रकला की तरफ काफ़ी ज़्यादा है अकेडमिक से भी ज़्यादा है तब तब से ही ये दोनों ही विधाएँ ये दोनों ही कलाएँ मेरे साथ साथ चलती चली आ रही हैं ये मेरे लिए आज मैं संगम भूमि पर बैठा हुआ हूँ ये गंगा और यमुना की धारा की तरह हैं जो मेरे मन में आके मिलती हैं और इस कला के संगम से बढ़िया संगम मेरे लिए कोई नहीं है हिमांशु जी आपका जो प्रारंभिक शिक्षा जो होता है वो कैसे प्रारंभ जी बिल्कुल हम श्योर की जितने भी नृत्य और कला से रिलेटेड लोग होते हैं उनके ज़रूर कोई ना कोई ऐसे अनूठे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो वो आखिरी समय तक उन्हें याद रहता है मुझे आज भी याद है वो क्षण जब आ, मेरी गुरु ने आ, मुझे पहली बार देखा था क्योंकि मैं एक्सीडेंटली अपनी कज़न की क्लास में आ, आया था उसको आ, रिसीव करने के लिए घर वापस जाने के लिए और जब मुझे लगा कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स जो कर रही थी मुझे लगा कि वो कुछ अजीब तरीके से कर रही है बाल्यावस्था और जाहिर सी बात है नृत्य की तरफ बहुत ही तगड़ी अभिरुचि और मुझे लगा कि शायद मुझे करेक्शन उसे बताने चाहिए तो जैसा कि होता है बच्चे एक दूसरे को छेड़ते हुए बोलते हैं कि तुम गलत कर रहे हो मेरी तरह करके दिखाओ तो मुझे याद है मैंने उसी के नृत्य के कुछ मूवमेंट्स को करके सही करके दिखाया था तो मेरी गुरु जो थी वो दरवाजे के उस साइड पर्दे के पीछे खड़ी हुई थी और वहाँ से उन्होंने मुझे देखा था पहली बार आ, शायद वो एक ऐसा मोमेंट है जो उस वक्त मैंने नहीं रियलाइज किया था हाँ बाद में वो पर्दे से बाहर निकल के आए और उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आ, तुम ये कर सकते हो तो तुम ये भी करके दिखाओ मुझे पक्का पता है कि आ, आप नहीं कर सकते हो ये एक साइकोलॉजी की थ्योरी है कि आपको जिस तरफ धक्का दिया जाए ज़बरदस्ती आप कोशिश वही करते हो कि आप वही काम करो सो इट्स सॉर्ट ऑफ उन्होंने एक ऑल्टरनेटिवली uh, uh, उस साइकोलॉजी uh, पे काम किया रिवर्स साइकोलॉजी पे काम किया और uh, उन्होंने मुझे नृत्य की तरफ ही धकेला uh, वो क्षण मुझे हमेशा याद रहेगा जब वो पर्दे से बाहर निकल के और उन्होंने मुझसे पहले वाक बोले और uh, उन्होंने कहा कि तुम ये कर सकते हो और वो वाक उस वक्त तो विस्मय में बोला गया था तुम ये कर सकते हो बट वो वाक एक तरह से इस पावन भूमि में हमेशा मेरे दिमाग में गूंजता है और हमेशा गूंजेगा कि तुम ये कर सकते हो तो कभी भी होता है कहीं भी किसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ या किसी ऐसी परिस्थिति में होता हूँ जब मुझे लगता है कि शायद ये काम मुझसे नहीं होगा तो वही गुरु के वाक मुझे याद आते हैं तो ये एक बहुत ही आ, ऐसी मेमोरी है जो हमेशा मुझे याद रहेगी जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप उत्तर भारत से हैं और पहली बात तो उत्तर भारत में कलाओं का इतना अगर एक पुरुष के तौर पे देखा जाए तो इतना कोई प्रभाव नहीं है लोग मेन स्ट्रीम इसको आज जॉब के तौर पे नहीं देखते हैं या, जिससे आप अपना घर चला सके ऐसा नहीं देखा जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका परिवार आपके साथ दे या उनका एक सपोर्ट स्ट्रक्चर आपके तो आपके साथ परिवार का कैसा अनुभव रहा खास करके कला में अपना भविष्य बनाने की विषय को लेकर <laughs> देखिए इस मामले में मेरा शुरुआती एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा ही रहा क्योंकि कब उन्हें मेरे पेरेंट्स को कभी अंदाज़ा नहीं था कि मैं कला को पूरी तरीके से अपना पैशन से प्रोफेशन की तरफ लेके जाऊंगा और जब मुझे आज भी याद है जब मैं मैंने उन्हें उन्हें यह मालूम था कि वो साइड बाय साइड मैं नृत्य और आ, पेंटिंग में दोनों में ही हूँ इन्वॉल्व बट उन्हें ये बिल्कुल भी एक परसेंट भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसको बहुत सीरियसली लेने वाला हूँ और एक दिन मैंने जब डिसीशन लिया कि मैं आज जॉब के लिए अपना फाइनल लेटर छोड़ने के लिए लगा दूंगा तो वो दिन था जब उनको चार सौ चालीस वोल्ट का जो मैं कहूँगा कि झटका लगा था तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं बस ये पूछा कि आ, तुम जॉब छोड़ रहे हो आ, मुझे याद है वो काफ़ी सिनेमैटिक मूवमेंट था जब उन्होंने मुझसे तीन बार एक ही सवाल पूछा था क्या तुम जॉब छोड़ रहे हो क्या तुम जॉब छोड़ रहे हो क्या तुम जॉब छोड़ रहे हो सो <laughs> so, बिल्कुल उनकी भी यही चिंताएं थी जैसे एक किसी भी आ, माँ बाप की चिंताएं थी कि आगे का भविष्य क्या होगा कैसे होगा आ, मगर उनका सपोर्ट एक ऐसी चीज़ रही है जो मेरे लिए सबसे बड़ा आ, मैं कह सकता हूँ शस्त्र था आ, जो सबसे बड़ा मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था वो था उनका सपोर्ट उनकी अंडरस्टैंडिंग एक मोमेंट मैं शेयर करूँगा मुझे आज भी याद है मेरे पिताजी की थोड़ा तबीयत खराब थी उनको थोड़ा आ, कुछ इश्यूज होते पैनक्रियाटिक एंड काफ़ी सीरियस इशू था जिस टाइम वो इशू निकल के आया मैं मेरा श्रीलंका का ट्रिप था अगले ही दिन और मुझे वहाँ पे नृत्य प्रस्तुति के लिए जाना था मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे जाना चाहिए क्योंकि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है एंड बींग अ सिंगल चाइल्ड आई अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वहाँ पर बहुत ज़रूरी था मुझे आज भी याद है मेरे पिताजी का एक बहुत ही डायलॉग जो मेरे कान में हमेशा गूंजता है और हमेशा गूंजेगा उन्होंने कहा था द शो मस्ट गो ऑन एंड ही सेंट मी टू ही स्माइल्ड एंड ही सेंट मी टू श्रीलंका एंड देट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट फॉर मी वो एक बहुत ही ऐसा पॉजिटिव uh, क्षण था जो आज भी याद करता हूँ तो लगता है हाँ कि मेरे सपोर्ट में है इससे ज़्यादा सपोर्ट आई डोंट थिंक किसी आर्टिस्ट को चाहिए सो so, uh, एक अंडरस्टैंडिंग का जो सपोर्ट होता है वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है और भगवान की दया से वो हमेशा रहा है गुरुओं की तरफ से भी रहा है और माता पिता की तरफ से भी रहा है जैसा कि आपने बताया कि आपको परिवार से सपोर्ट मिला फिर आपकी जो बोलते हैं ना कि जब आपको कुछ अच्छे लेवल पे करना होता है तो फिर आपकी एक खोज प्रारंभ होती है और किसी भी विधा में अगर आपको एक उच्चतम स्तर स्तर को प्राप्त करना है तो आपको एक गुरु के बिना आप वो नहीं कर सकते तो आप दिल्ली कैसे पहुँचे और वो यात्रा कैसी थी आपकी दिल्ली पहुँचने की यात्रा वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी आ, मैं दिल्ली बेसिकली मुझे उस वक्त जब अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तभी नृत्य में काफ़ी अभिरुचि शुरू हो चुकी थी और मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस भी मैंने देने शुरू कर दिए थे मुझे बताया गया था कि गुरु डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन जी जो प्रेजेंटली भी मेरे गुरु हैं और हमेशा रहेंगी आ, तो आ, वो दिल्ली में ही हैं तो जब मेरी जॉब एक्सएल टेक्नोलॉजीज़ में लगी पहली बार तब मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ा इस तरफ सोचना चाहिए एक चीज़ है कि मैं वहाँ पे अपने एक कज़न के यहाँ पे रुका था तो वैसे जो उत्तर भारत की जो समझ है यूपी की पुरुषों का पैर में घुंघरू पहनने की जो समझ है वो थोड़ा हटके है उसमें अभी कई सालों उस पर काम होना है तो जब मैं उनके साथ रुक रहा था तो उनको बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि एक पुरुष का नृत्य भी नृत्य हो सकता है या कोई भी पुरुष अपने पैर में घूंघरू बांधे तो मुझे आज भी याद है जब मैंने क्लासेस के लिए गुरु जी के यहाँ पहली बार कॉल करके एनरोल किया था तो अपने घुँघरुओं को कपड़े में बांध के छुपा के बेड के नीचे रखता था और फिर धीरे से उसको सरका के लेके जाता था ऑफिस में लेके जाता था और फिर उसके बाद वहाँ से Uh, सरोजा जी के यहाँ पे डायरेक्ट जाता था तो आज जब मैं uh, वापस पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी अपने में ही एक यात्रा थी अनूठी uh, ना हुई होती तो मेरा जो uh, कला के तरफ जो प्रेम है वो इतना और ना हुआ होता तो मैं यही कहूंगा और ऐसी बहुत सी चीजें हैं आपने एक बात विनय कही है कि uh, उत्तर भारत की uh, अब समझ अलग है नृत्य को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ भ्रांति बदल गई है नृत्य को लेके वही नृत्य जो एक शादी में होता है एक लोक नृत्य जो जिसकी जिसका फ्लेवर जिसका अंडरस्टैंडिंग और गहरी होती है शास्त्रीय से ज़्यादा उसके मूवमेंट ढोलक के मूवमेंट भी एक बहुत ही अनूठे मूवमेंट होते हैं उस पर सेट उसको आ, वैलिड माना जाता है बट कहीं ना कहीं शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य का होना इनवैलिड माना जाता है कभी कभी उसको आ, इतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता है। तो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी टीच आर फ्यूचर जनरेशंस अबाउट इट काफ़ी सालों से उत्तर भारत में मुझे ऐसा लगता है जितना मेरी रिसर्च रही है इस पॉइंट को उठाया नहीं गया है बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं हो पाया है और बहुत ज़्यादा ये समझाया नहीं जा सका है कि ये नृत्य शैलियाँ कैसे बनी है कहाँ से निकल के आई हैं किस तरह से फोक से इनका ताल्लुक रहा है और कैसे ये आगे बढ़ी हैं ठीक है थीके? तो उत्तर भारत में वस्तुतः वैसे तो कथक नृत्य शैली काफी ज्यादा जानी मानी है बट उसी तरह भरतनाट्यम जो शैली है वो भी अपने में ही एक बहुत ही पुरानी शैली है तो इट्स ऑल अबाउट प्रमोशन इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स ऑल अबाउट कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस को कैसे और बता रहे हैं तब अगर हम उनको अच्छे से ट्रेन करते हैं तो उत्तर और दक्षिण भारत में कोई फर्क नहीं बचेगा सोच में कोई फर्क नहीं बचेगा इट विल बी पैन इंडिया आपकी शिक्षा जो है वो रमा वैद्यनाथन जी के भी अंडर में हुई है जैसे आपने बताया कि आपकी गुरु डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन जी हैं, और आपकी जो शिक्षा है वो रमा जी के भी अंडर हुई है और समकालीन भारत में अभिनय के क्षेत्र में जो रमा जी का योगदान है बहुत बड़ा है तो किस तरीके से उन्होंने आपको सवारा उनका क्या योगदान है आपके नृत्य में आप उसको कैसे देखते हैं आ, कहते हैं कि यही का उपजा हुआ श्लो आ, दोहा है आ, लिहे लाकुटी जाऊँ कहाँ छह गुरु तय परु कहाँ मतलब कि कितना भी मैं लाठी लेके लठ लेके मैं दुनिया में उसको अपना अपनी दक्षता प्रदर्शित कर लूँ अपना कितना ज्ञान है प्रदर्शित कर सकूँ एक बार जब गुरु की लाठी मिलती है तब समझ में आता है कि अभी तो बहुत काम करना है अभी तो कुछ भी नहीं देखा अभी तो कुछ भी नहीं शुरू किया रमा जी का जो एंट्री थी वो कहीं ना कहीं एक गुरु और उसकी लाठी की तरह थी और वो लाठी ऐसी थी जिसने मजबूती दी जिसने समझ दी और वो आज भी पड़ती है जब डांट पड़ती है तो अच्छे से समझ में आता है कि अच्छा अभी और काम करना है और मेहनत करो अभी थोड़ा तो कहीं ना कहीं रमा जी हम मेरी तरह वो लहर की तरफ हैं जैसे आप गंगा की इस लहर को देख रहे हैं आप किनारे जाएंगे तो बराबर वो मिट्टी को काटती रहती है बराबर वो मिट्टी को तराशती रहती हैं नई मिट्टी देती रहती हैं उपजाऊ बनाती रहती हैं रमा जी का भी योगदान किसी गंगा से कम का नहीं है केवल मेरे जीवन में नहीं अधिकतर आर्टिस्टों के जिनको उन्होंने जिनके जीवन को उन उन्होंने अफेक्ट किया है कला को जिन्होंने उन्होंने अफेक्ट किया है वो उसी गंगा के समान हैं कि जहाँ वो मिट्टी बार बार एक नई मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी ला देती रहती है तो उसी तरह रमा जी ने समझ की जो एक उपजाऊ मिट्टी दी है वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो हमेशा रहती हैं उसके लिए चाहे वो सामने हो ना हो उनकी सीख हमेशा हमारे साथ चलती है आ, हिमांशु जी जिस प्रकार आपने बताया कि नृत्य में रमा जी ने आपको एक लाठी के सामान यानी एक तरीके से आपको सुधारने का काम किया चित्रकलाओं में जो आपका एक विशेष योगदान बोलें या जो एक विशेष आकृति को कल्पना करने की आपकी एक क्षमता है जिसमें आप देवताओं की कथाओं को मानवीय भावनाओं से बिल्कुल करीब ला के जोड़ देते हैं उसका जो ये ये प्रारंभ कैसे हुआ ये आपका एक अपना यूनिक स्टाइल जिसको बोल सकते हैं ये कैसे आया आप विदय संगम के घाट पर बैठे हैं और आप कहीं भी बैठ जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटी छोटी कुटियाएँ बनी हुई हैं हर एक कुटिया में कोई ना कोई कथा चल रही होती है कोई ना कोई गाथा के बारे में बखान किया जाता है तो आ, मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो संस्कृत स्कॉलर्स थे और गाथाएं हमारे यहाँ हमेशा से सुनाई जाती रही हैं उत्तर भारत में स्पेशली अगर उत्तर ही नहीं वस्तुतः भारत के जितनी भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं उनमें बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों का परवरिश उनका पालन पोषण ऐसे ही करते हैं कि खाने से पहले एक गाथा से या एक स्टोरी ज़रूर बता दी जाती है तो ऐसा ही मेरा भी पालन पोषण हुआ तो कहीं ना कहीं वो उसकी स्ट्रिंग जाके अपने आप ही चित्रकला से जाके जुड़ गई क्योंकि उन कथाओं के पीछे जो गूढ़ सत्व था वो मुझे ऐसा लगा कि नृत्य और चित्रकला दोनों के ही थ्रू मैं बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा सकता हूँ और वही एम था वही मोटिव था शास्त्रीय चित्र शैली का और शास्त्रीय नृत्य शैली का आज भी है और हमेशा रहेगा तो so, आर्ट uh, uh, मेरे लिए एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं है एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी है uh, जो मैंने अपने uh, पिछले जनरेशन से सीखा है और जो मैं आगे आने वाली जेनरेशन को दे सकता हूँ आपने जैसे बताया कि आप जो भी कथाएँ आपको मिली सुनने को आपके घर परिवार से आपने उनको अपने चित्रकला के माध्यम से लोगों को प्रस्तुत किया क्या ये चीज़ आपके नृत्य में भी झलकता है एक ही कृष्ण को लेके जो उनकी जो वहाँ की लोकल गाथाएं होंगी जो कि मिन्दंतियाँ होंगी वो अलग हो सकती हैं मगर जो मॉरल अंडरस्टैंडिंग है वो एक बराबर होती है तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो मुझे आ, उन चीज़ों को नृत्य शैली में लेके आने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ तो मेरे लिए तो आसान था जैसे कि आपने बताया कि सब कुछ एक ही जैसे हैं गाथाएं एक ही हैं आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप उत्तर भारत से हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भरतनाट्यम में खासकर पे हिंदी भाषा की उतनी रचनाएं मौजूद नहीं है क्योंकि इससे दर्शकों को भी जोड़ने में बहुत आसानी होता है देखिए वस्तुतः पहले तो हमें सबसे पहले चीज समझना जरूरी है कि भरतनाट्यम जिस प्रांत में जिस रीजन में डेवलप हुआ तो जाहिर सी बात है जो देशीक इन्फ्लुएंस है वो तो जरूर होगा उस नृत्य शैली पे अगर हम भरतनाट्यम की हिस्ट्री में जाके देखें तो मीरा बाई के भजन से लेकर कबीर दास, रैदास और रसखान रहीम इन सब तक जिनमें सूफी टच है ऐसी पोइट्रीज पे भी काम काफ़ी अच्छे लेवल पे किया गया है एक पुरुष होने के कारण क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आज भी कलाएँ खुद को अकेले अपने दम पे नहीं सपोर्ट कर पा रही और आर्टिस्ट नहीं उतना अर्न अं कर पाते हैं जितना वो मेहनत करते हैं सालों की Uh, मैं देखिए पूरी तरह से तो आपसे सहमत नहीं हूँ um, क्या होता है कि हर एक ट्रेड का सिंस आई एम एन इंजीनियर माई सेल्फ एन पी एच डी स्कॉलर एज वेल वट आई हैव नोटिस जस्ट लाइक इफ इट इज़ अ इंजीनियरिंग प्रोफाइल लाइक माय ब्रदर इज़ राइट नाउ ही इज़ डूइंग हिज एनिमेशन कोर्स एनिमेशन का कोर्स भी अगर हम बात करते हैं एक उदाहरण के तौर पे तो इनिशियली आपको जो पे पे स्केल रहेगा वो बहुत ही नीगर होगा इन कंपैरिजन टू पॉसिबली एन आईटी इंजीनियर ठीक है और फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने टूल्स को और परफेक्ट करते हैं आप अपनी लर्निंग को और बढ़ाते हैं वैसे ही वैसे आपका पे स्केल भी बढ़ता चला जाएगा तो इसी तरह से आर्ट के फील्ड में भी है यस मैं मानता हूं बिल्कुल कि समय लगता है और समय वस्तुतः बाकी किसी और फील्ड से ज़्यादा लगता है ज़्यादा मेहनत है मगर आपका पैशन शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर डिवोटिंग इट एंड दैट वो डिसाइड करेगा uh, कि आप किस लेवल पे हैं और वहीं से डिसाइड होगा कि आपका आई शुडेंट यूज़ द वर्ड क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि आर्ट्स के लिए हमेशा ऑनरेरियम हो सकता है पे वर्ड मीन्स आप आर्ट के लेवल तक आके उसको पे नहीं कर सकते हो कभी यू कैन नॉट जस्टिफाई द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क अ डांसर और अ पेंटिंग आर्टिस्ट और एनी आर्टिस्ट मस्ट हैव डन सदियों की मेहनत होती है जो गुरुओं के थ्रू आ रही होती है और घंटों uh, की महीनों की प्रैक्टिस होती है अगर उसको एक शाम में ही अगर उसको क्लासिफाई करके बोल दिया जाए कि हम आपको पेमेंट दे रहे हैं नो आई थिंक दे आर जस्ट ऑनरिंग द आर्ट विद वॉट एवर अमाउंट दट दे आर ऑफरिंग बी इट अ ग्रेट अमाउंट बी इट अ स्मॉल अमाउंट हाँ समय लगता है और लगातार मेहनत की इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत होती है जैसा कि आपने कहा कि समय लगता है और आपने एनिमेशन का उदाहरण दिया एनिमेशन खुद में भी एक आर्ट से रिलेटेड ही चीज़ है वो कोई ऐसा अकेडमिक्स नहीं है तो मेरा मतलब था कि जिस प्रकार एक अकेडमिक सोच होती है बात है यहाँ पर सामाजिक सोच की आखिर वो क्या कारण है कि पुरुष खास करके पुरुष इसलिए कि चलो लड़कियों को लोग चलो कि शौक में भी सिखा देते हैं लेकिन लड़कों के साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि नहीं लड़के को डांस में नहीं भेजना है और मैं उत्तर भारत की ज्यादा इसलिए बात कर रहा करूँ क्योंकि हम सब उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं और ये हिंदी भाषा जो है यहाँ पे साहित्य इतना रहा है उसके बाद भी नृत्य की यहाँ पे उतनी ज्यादा क्यों कि आपको लगता है कि इस आर्थिक का इसमें कुछ है या फिर क्या है सामाजिक या क्या ऐसी चीज देखिए अगर वा, वास्तविकता में देखा जाए तो अगर हम इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करें तो जितनी भी कलाएं हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बनी थी किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए बनी थी अगर हम देखा जाए तो मोटा मोटी अगर हम बियॉन्ड ह्यूमन देखा जाए अगर मानविक लेवल से ऊपर देखा जाए तो कहा जाता था अगर हम शास्त्रों में देखें तो ये गंधर्व गांधर्वी विद्या कहलाई जाती थी अब जब ये गांधर्वी विद्या चाहे वो भरत मुनि के थ्रू हो चाहे तंडू के थ्रू हो चाहे किसी भी और मुनियों के थ्रू जब वो मनुष्यों तक आई तो उसका प्रचार प्रसार और हुआ बल्कि नाट्यशास्त्र अगर ध्यान से पढ़ी जाए तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मानविक वृत्तियों और प्रवृत्तियों को समझ के ही और ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है बल्कि एक जगह तो देवता स्वयं मना कर देते हैं कि हम ये रस उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऐसी समझ नहीं है कि हम नाट्य प्रयोग या कला प्रयोग कर सकें ये नाट्यशास्त्र में एक छोटे से पॉइंट पे है ये मेंशन तो जहां तक ये रहा बात अब मेजर सवाल आता है कि ये स्टिग्मा उठा कहाँ से पहली चीज लेट्स टॉक अबाउट द स्टिग्मा ऑफ डांस देखिए जब भारत बेड़ियों में जकड़ा तो आई थिंक एक पैर में एक ही बेड़ी हो सकती थी दूसरी बेड़ी उन्होंने घुँघरुओं को बना दिया उन्होंने बोला कि ये नहीं पहना जा सकता है मैं इसीलिए जब कभी भी अपना कोई लेक्चर फॉर मैन लेता हूँ तो उनमें बच्चों से अक्सर स्कूलों में पूछा करता हूँ मेरा सबसे पहला प्रश्न यही होता है बच्चों से कि बच्चों आप लोग पहले ये बताओ आप लोग सब जानते हैं और समझते हैं कि शायद पुरुषों को घुघरू पहनना अलाउड नहीं होता है सबका जवाब आता है कि हाँ सर हमने तो यही सुना है तो मेरा उनसे सबसे पहला सवाल यही होता है कि बचपन में आपको सबसे पहली चीज कपड़ों से भी पहले जो सबसे पहली चीज पहनाई गई थी वो क्या थी वो सबसे पहली चीज जो बच्चे को पहनाई जाती है भारत में कम से कम जितना मैंने देखा है सबसे पहला वो उसके पैर में छोटे छोटे चांदी के घुघरू डाले जाते हैं ठीक है उसका एक महत्व है उसका एक कारण है ठीक है तो हम नहीं नकार सकते कि वो हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा था और आप एक छोटी सी कृति का उदाहरण देखा आ, से भी बताना चाहूँगा तुलसीदास जी की कृति है जिसमें वो कहते हैं कि ठुमक चलत चंद्र बाजत पैजनिया पैजनिया देखा जाए तो एक काफ़ी घने घुंघरू वाला एक मोटा सा पैर में पहनने वाला आ, पायल होती है तो कहाँ से ये हमारी मेंटालिटी है ये इसको एग्जैक्टली डेट बैक करना बड़ा मुश्किल काम होगा बट ऐसा माना जाता है स्कॉलर्स के ओपिनियन में कि जब ब्रिटिश शासन में जब देवदासी एक्ट लागू हुआ और ये सब कुछ मना हो गया जब लिटरली नर्तक और नर्तकियां भूखों मरने पर जिन संकटग्रस्त हो गए थे जिनको कहना चाहिए तब ऐसे समय में ये माना और ज्यादा इसकी भ्रांतियाँ उठा ली गई कि ये चीज अच्छी नहीं है क्योंकि उन्होंने देखा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंडर सबसे पहले अगर सोसाइटी को ब्रेक करना है तो उनको लगा कि सबसे पहले कल्चर को ब्रेक डाउन किया जाए कल्चर को ब्रेक डाउन मतलब टेम्पल्स में बैन लगाए जाए टेम्पल्स पे रकम लगाई जाए एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्हीं सब के चलते काफ़ी सारी फॉल्स भ्रांतियाँ उठाई गई इन्हीं सब का जो रेपकर्शन हम आज देखते हैं वो ये है तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही कमजोरियाँ थी जो हावी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हमारे ऊपर जो हावी करना चाहा वो हमने अपनी कमजोरियों के थ्रू थ्रू उसको एक्सप्रेस किया आज प्रेजेंट डे जनरेशन आज उसी के अगेंस्ट खड़ी है और आज वो खोती हुई लुप्त होती हुई शास्त्रीय शैली को जो लिंग रहित है मैं दोबारा रिपीट करूँगा जो लिंग रहित है जो दैट इज़ विदाउट जेंडर व्हेन वी डांसर्स गो ऑन स्टेज वी आर विदाउट जेंडर हम स्त्रीलिंग नहीं होते हम पुलिंग नहीं होते हम उस वक्त वो कैरेक्टर होते हैं अगर हम शिव का कैरेक्टर कर रहे हैं तो हम वो शिव होते हैं और स्टेज से उतरने के बाद ही हम वो कैरेक्टर छोड़ते हैं तो, आ, मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर आपको कोई ऐसे बंच ऑफ चिल्ड्रन मिले कहीं ऐसे बच्चे मिले उनको ये शिक्षा जरूर दीजिए कि कला किसी भी तरह लिंग से किसी भी जाति से आ, उसका निर्धारण नहीं होता है वो चूज़ करती है खुद ही स्वयं स्वतः ही पहुंच जाती है जिस तक उसे पहुंचना होता है तो आपका मानना है कि जो ये भ्रांतियां जुड़ी हैं वही उचित कारण है कि पुरुष आज भी समाज में लोग थोड़ा कटते हैं अपने बच्चों को अपभ्रंश भ्रांतियां इस वजह से अच्छा हिमांशु जी अगर आ, पूछा जाए कि आप इतने वर्षों से इस फील्ड में हैं आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि अगर इसमें बदलाव हो जाए तो काफी भला हो जाएगा देखिए आई वेरी क्लियर मैं सोशल वर्कर तो नहीं हूँ बट हम सब एक आ, बदलाव की तरफ जरूर काम करते हैं हर आ, ऐसा कोई पर्टिकुलर बदलाव में नहीं एलेबोरेट या एन्यूमरेट कर सकता हूँ कि इसी पे स्पेशली काम किया जाए तो आ, बहुत अच्छा हो जाएगा डेली कभी कभी हम अपने पे काम करते हैं कभी कभी हम जैसे अभी आ, मेरा जो आ, बेसिक काम चल रहा है वो इसी चीज़ पे चल रहा है कि किस तरह से चाहे उत्तर भारत हो चाहे वो दक्षिण भारत हो विनय आपने दो तीन बार कहा कि उत्तर भारत में आ, कम है प्रचलन बट वास्तविकता यह है कि दक्षिण भारत में भी इतना ज्यादा प्रचलन नहीं है अगर आप कहते हैं कि दक्षिण भारत से ही इसका उद्गम है उद्भव है तो ऑन फिंगर काउंट आप चेक करके बताइए कि कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ से पुरुष सहभाग ले रहे हैं इसमें बहुत ही कम मिलेंगे गिनो चुनो ही मिलेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि हमें इसे आगे वाली जनरेशन को पास ऑन करने के लिए इसकी मर्यादा सीमा को अच्छे से मेंटेन करके रखना होगा इसे एक अच्छी लाइट में हमारी आने वाली जनरेशंस तक लेके जाना होगा हमारा हर एक प्रेजेंटेशन समसामयिकी के हिसाब से होना चाहिए किस तरह से मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट पे हो देखिए अगर हम आज की जनरेशन को कुछ ऐसा सर्व करेंगे जो कुछ एक हज़ार या दो हज़ार साल पुराना हो और वो उससे रेलेवेंस ना लगा पाए तो वहीं उसी पंद्रह मिनट में उसी बीस मिनट में हमारे कला का औचित्य वहीं ख़त्म हो जाता है कला की डेफिनेशन ही यही है कि वो किस तरह से कम्युनिकेट कर जाए बिना कुछ बोले ठीक है तो कहीं ना कहीं अगर कम्युनिकेशन है तो हमारी बात में एक दम होना चाहिए एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होना चाहिए जो दूसरे साइड पहुँचे इसके स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल में मैं दोबारा अपनी गुरुओं का नाम लेना चाहूँगा चाहे वो कमलनी जी हों जिन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया पेंटिंग की तरफ चाहे वो प्रदीप मुखर्जी जी, जी हों जो मेरे पेंटिंग गुरु हैं चाहे रमा जी हों इन सब का हमेशा यही कहना रहा है कि आप जिस भी चीज़ को आप किसी रस को उत्पन्न कर रहे हैं अपने दर्शकों में तो उसको समसामयिकी में लेके आइए उसको खुद फील कीजिए ठीक है उसको महसूस कीजिए कि वो आपके सराउंडिंग में लोग कैसे समझ रहे होंगे उसको जब आप प्रस्तुत करेंगे अपने आप ही जनरेशन में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो ये एक जो चीज़ है जिसको मैं डेवलप करना चाहता हूँ ताकि कला जो अभी एक फ्रेम बॉक्स में हमारे केवल दीवारों पे मिलती है हमारे किताबों के केवल किसी एक पेज में मिलती है मैं चाहता हूँ ये मेरा एम है Uh, जितना भी uh, मैं इसको कैरी ऑन कर सकता हूं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि इसके प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा योगदान दे सकूं। ये तो जो आपने बताया वो बहुत जरूरी है कि कोई एक परिवर्तन नहीं लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ पर्टिकुलरली कोई एक परिवर्तन अगर आपको मौका दिया कि नहीं आप ये बदल सकते हो

कला अपने में ही एक सौसर स्टोन होती है एक पारस मणि होती है वेन इट टचिज यू मैंने आप भी एक आर्टिस्ट है वैन इट टचिज यू इट टेक्स यू डाउन अ वैली एंड इट मेक्स यू राइज एंड मेक्स यू फॉल अगेन तो वो अपने में ही एक बहुत ही बड़ी जर्नी होती है तो ऐसे में ये कहना कि मेरा एक ये पर्टिकुलर एम है कि मैं वर्ल्ड में ये चेंज चाहता हूँ चाहता हूँ विल बी अ वेरी हिटलर प्रोन डायलॉग सो इट विल बी अ वेरी हाउ शुड पुट इट बट आई थिंक एजुकेशन ऑन अ ग्रेटर स्केल फॉर द कमिंग जनरेशन अगर इफ गिवन मी अ स्टोन इज वॉट आई वुड एम एट

ज्वलनशील मुद्दा है वंशवाद का और जब हम कलाओं की बात करते हैं तो इसे सही कहा जाएगा गलत लेकिन वंशवाद बहुत उभर कर दिखता है वो चाहे कोई भी नृत्य शैली हो क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि वंशवाद कि, आप कैसे देखते हैं कितना इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और देखिए हर चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं तो आप वंशवाद को आपके जीवन में क्या कभी इसका कोई असर पड़ा या आप इसको देखते कैसे देखिए वंशवाद एक दृष्टिकोण है अगर मेरी दृष्टि में मैं काम नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे वंशवाद दिखाई देगा अगर मैं काम कर ले रहा हूं और मैं अपने वर्क से सेटिस्फाइड हूं तो मुझे वंशवाद नहीं दिखाई देगा ये वही बात हुई कि जब आ, मैंने विनय आपको एक आ, जूस ग्लास का दिया वो जूस ऊपर तक भरा हुआ है और मेरे पास जो ग्लास है उसमें आधा भरा हुआ है तो मेरी दृष्टि जो देखेगी वो यही देखेगी कि आपका ग्लास भरा हुआ है और मेरा खाली है करेक्ट अगर मेरा ही ग्लास भरा हुआ होगा तो क्या मैं ये सोचूंगा कि आप मेरा आपका भरा है और मेरा ग्लास कम है ज्यादा है नहीं ऐसा नहीं है तो जहां तक आप वंशवाद की बात कर रहे हैं ये केवल दृष्टिकोण है हाँ जहां तक आप ये कह रहे हैं कि आ, आ फेवरिज्म वगैरह वगैरह दुनिया में हर प्रकार का जैसे हम कहते हैं कि हर तरह के रस हैं उसी तरह की हर तरह की अंडरस्टैंडिंग है आप अपनी समझ लेके पैदा होते हैं उसी समझ के साथ आप नष्ट भी होते हैं अगर आपने आपको अपने ऊपर फोकस करना है तो आप उसी जिस एक जो आपने शब्द यूज़ किया कि आप वंशवाद को कैसे देखते हैं तो हो सकता है आप उसी वंश से सीख के आप अपना रास्ता निकालें और उसी को पलट के आप धन्यवाद करें कि आपने हम मैंने इसी वंश से सीखा हूं और इसी की एक शाखा हूं अपने में इंडिपेंडेंट शाखा हूं तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है आपका क्या दृष्टिकोण है वो वंशवाद के लिए बहुत जरूरी है हम ब्लेम नहीं कर सकते कि वंशवाद एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें हमारा हाथ है हम क्यों नहीं बढ़े आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जिससे मेरे लिए आपको इसको समझाने में बहुत आसानी होगी ये जो गुड़हल का पेड़ आप देख रहे हैं ये बड़ा खूबसूरत पौधा है आप देखेंगे तो इसके रंग थोड़ा विचित्र हैं। आ, मैंने ये पेड़ लगाया इसमें तकरीबन बारह शाखाएं हो रखी हैं हर शाखा अपने में एक वंशवाद है आपके हिसाब से मेरे लिए ये वंश है इसी शाखा को मैंने काटा यहाँ से और एक दूसरे गमले में लगा दिया वहाँ एक अलग वंश हुआ वो पौधा थोड़ा छोटा था मगर उसने ज़्यादा फूल दिए इसके कंपैरिज़न में क्योंकि उसकी ज उसको जलवायु अलग मिली उसको उसकी माटी अलग मिली उसको खाद और पोषण अलग मिला तो ये समझना ज़रूरी है कि हमें अपने ऊपर काम करना है ना कि ये देखना है कि हम किस शाखा से आए हैं ठीक है बल्कि हमें यह देखना है कि हमें हमारी निहित जो परिधि है जो हमें हमें एक आयाम मिला है उसमें हम अपना कितना चातुर्दिक विकास कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है ठीक है जड़ें ज्यादा महत्वपूर्ण है दैन शाखाएं तो ऐसा मुझे लगता है कि आप अपनी जड़ों पे ज्यादा काम करें और वंशों पे ना ध्यान दें वो ज्यादा जरूरी है हाँ वंश अगर है तो जाहिर सी बात है दम होगा उन्होंने सदियों काम किया होगा वंश ऐसे ही तो बनते नहीं है सदियों में एक वंश बनता है अगर देखा जाए सौ साल लगते हैं एक वंश बनने में तो जाहिर सी बात है कुछ काम किया होगा कुछ महत्वपूर्ण योगदान होगा तभी बना है हमारा केवल और केल, केवल एक जो महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम क्या सीखते हैं जी आपने इस बात को तो बताया कि हम क्या सीख सकते हैं बहुत अलग पर्सपेक्टिव आपने दिया मुझे आज लेकिन क्या आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जहां आपको ये बात पता है कि आप बेहतर हैं और ये होता है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज़ें हम अक्सर देखते हैं कला के क्षेत्र में कि ये चीजें होती हैं हमें पता है कि सामने वाला शायद मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ लोग बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि वंश में भी ऐसे लोग हैं जो निरंतर मेहनत करते हैं लेकिन ऐसे भी लोग हैं जहाँ आपको पता होता है कि वो बेहतर नहीं है लेकिन क्योंकि वो वंश से हैं इसलिए उन्हें यह मौका मिला उस उस चीज पे आप क्यों उस पर आखिर ये कितना नुकसानदायक है कला के लिए क्योंकि ये केवल अच्छा नहीं है इसमें नुकसान भी है क्योंकि, क्योंकि कई बार अच्छे कलाकार एक टाइम के बाद जब नहीं कमा पाते हैं तो कला को छोड़ देते हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान है कला के लिए जब एक अच्छा कलाकार एक अच्छा छात्र छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसका कुछ हो ही नहीं पाता है देखिए दोबारा दृष्टिकोण वाली बात है मैं दोबारा दोहराऊंगा मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं कि द लैक ऑफ़ यू नो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एन while uh, वहीं पर दूसरे शिष्य को एक I mean uh, हम uh, अगर history में जाएँ तो ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे but उन उदाहरण से सीखने की बात है ना कि उस पर uh, उस um, कोई बहुत बड़ा आई uh, थिंक uh, ऐसे लिखने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसा मेरा मानना है मैं आपको आप uh, मेरे उदाहरण से अगर आप सीखना चाहें या जानना चाहें तो कि वंशवाद में भी अगर देखिए तो ए, अगर वंश से ही कोई निकल के आ रहा है कोई बच्चा तो उसके ऊपर अपना ही एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है क्योंकि उसको नंबर उस वंश को आगे लेके जाना है उसको उस वंश से बेहतर करना है दूसरा तीसरा उसको कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि उसी वंश से जुड़े सौ और छात्र हैं जो उसी बराबर मेहनत कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं अगर आप एक हम क्या होता है हम जब किसी सिचुएशन में आते हैं हम स्पेशली uh, आर्टिस्ट तो हम उसी में घुल के रह जाते हैं uh, इसीलिए नाट्यशास्त्र में एक हमेशा चीज़ कही गई कि हर चीज़ को एक ईगल हॉक पॉइंट व्यू से देखा जाए एक uh, त्रयायामी अप्रोच से अगर देखा जाए एक uh, दूर uh, दूरागामी परिवेश में देखा जाए तो आपको वो पिक्चर ज़्यादा क्लियर होती है तो वो थर्ड आई पर्सपेक्टिव इस वजह से ही जरूरी है कि चल क्या रहा है आप इंपॉर्टेंट हैं या उस वक्त वो इम्पॉर्टेंट है कला जहाँ तक आपने एक बड़ा प्यारा सवाल उठाया कि कला को नुकसान हुआ कला मेरी बनाई हुई नहीं है कला को जन्म मैंने नहीं दिया है खुद उसने ही अपनी आई मीन I mean, देवी भागवत का कला अपने में ही एक शक्ति के समान है आ, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ देवी भागवत का एक बड़ा ही आ, प्यारा श्लोक है जब ब्रह्मा योग माया की स्तुति कर रहे होते हैं और ब्रह्मा कहते हैं उस वक्त कि आप देवी आप योग माया जैसा कहा गया है योग माया किसी कला से कम नहीं है योग माया को कला की तरह ही देखा गया है ये वही योग माया है जिन्होंने काली के रूप में कालीदास जी ने भी पूजा था और फिर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी तो ब्रह्मा खुद कहते हैं सोचिए ब्रह्मा जो खुद रचयिता हैं वो खुद कह रहे हैं कि आ, हे श्री हे योग माया आप स्वयं ही अपनी ही इच्छा से सृष्टि की रचना करती हो फिर जब आपका मन करता है तो एक बालक की भांति आप उसका संरक्षण करती हो और जब आपको नहीं समझ में आता है तो तुरंत आप उसे उसी वक्त नष्ट कर देती हो जिस प्रकार एक बालक एक रेत के टीले को काटता है उसका एक महल बनाता है जितना होता है उसके साथ खेल करता है और उसके बाद उसे तोड़ देता है अगर हम देखें तो हम केवल और केवल कला के भक्त हैं ये हमारा काम नहीं है कला के भक्तों का ये काम नहीं है कि ये सोचना कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है हम कला के लिए कोई बांध नहीं लगा सकते वो हम तक कैसे आए जब वो फॉर एग्जांपल मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ कि मैं जिस शहर से हूँ भले यहाँ कला का बड़ा प्रचलन है मगर बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ है इस पर्टिकुलर शहर में कि बच्चे निकल पाएँ यहाँ से और समझ पाएँ कि बेटर दैन द बेस्ट क्या है मगर वहीं कहीं ना कहीं किसी एक घर में किसी एक हिमांशु श्रीवास्तवा के घर तक वो कला अपने आप लगे हुए बांधों से को तोड़ के बह के आई तो क्या इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कोई एफर्ट लिया या किसी ने कोई एफर्ट लिया कुछ एफर्ट लिए गए और कुछ तो अपने आप ही चीज़ें हुई हमारा काम है केवल योगदान देना और मेहनत करना वही भागवत गीता की कर्मण्यवाधिकार दोबारा यहां पे अपने आप ही सिद्ध होती है तो यह सोचना कि उस कुल में कोई ऐसा है उसको ज्यादा ऑपरचुनिटी मिल रही है ऐसा मेरा मानना है कि अगर उसको सौ ऑपरचुनिटीज मिल रही है अगर आपकी बात का उदाहरण देते हुए कहता हूं अगर किसी को सौ ऑपरचुनिटीज मिल रही है तो आप लौह की भांति हो कि उस पर एक बार पीटने की जरूरत है या आप स्वर्ण की भांति हो जिसमें एक बार पीट के ही वो फ्लैट हो जाता है या आप लोह के समान हो कि आपके बार सौ बार भी हथौड़े पड़े तो भी आप शायद आधा मिलीमीटर ही थोड़ा सा मुड़ो या आप स्वर्ण की भांति हो कि आपके ऊपर हथौड़े एक ही बार चला और आप एकदम पत्ती बन गए तो आ, आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है एक आर्टिस्ट को आर्ट सीखने से पहले जो मे, जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया स्पेशली एक सबसे इंपॉर्टेंट आज डिस्कशन में मैं बोलना चाहूंगा आर्ट सीखने से पहले लिविंग विद द आर्ट सीखना बहुत जरूरी है कला आपको कोई भी सिखा देगा आपको कला एक ये फूल अगर आप देखें तो मेरे गुरु अगर यहाँ पे होते तो वो यही कहते कि बेटा अगर आपको कलर आ, आ, मतलब रंग संयोजन जिसे हम लोग बोलते हैं कलर कॉम्बिनेशन अगर सीखना हो तो इस फूल से सीखो अगर आपको कुछ देखना हो तो यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा टब है जिसमें कमल के फूल लगे हुए हैं आपको वहाँ उससे एंग्युलरिटी सीखो तो नेचर तो है ही हमारे आस सब कुछ सिखाने के लिए मगर गुरु वो तत्व है जो आपको ये सिखाएगा कि लिविंग आप कला के साथ रहो कैसे वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कहीं कही ना कहीं आपका मन ही आपको रोकेगा वो कला सीखने से कला सिखाने से वगैरह वगैरह तो आप अपने ऊपर आप अपनी पार्श्विक वृत्तियों पे कैसे कंट्रोल पाते हैं आप अपने डीमंस पे कैसे कंट्रोल पाते हैं आप अपने एंजल्स को कितना फ्लरिश करते हैं वो जो कला है वो बाकी सारी कलाओं से बहुत ज़्यादा ऊपर की कला है वो एक गुरु ही दे सकता है तो ये चिंता करना कि उसको दस परफॉर्मेंस मिले और मुझे एक परफॉर्मेंस मिला अगर मुझे एक परफॉर्मेंस में मिला है और मेरे सामने पाँच ऑडियंस है तो मेरा ये ध्येय होना चाहिए कि वो पाँच ऑडियंस अगले पाँच साल तक ये जरूर याद रखे कि उसने क्या देखा उस पंद्रह मिनट के ही परफॉर्मेंस में अगर ये है आपका एम तो यही सबसे बड़ी कला है और अगर ऐसा हुआ है कि उस पांच ऑडियंस को याद रहा है सोन so -so सोनी ये ये परफॉर्म किया था तो इसका मतलब है कला एक से दूसरे छोर तक पहुंच चुकी है ट्रैवल कर चुकी है उसका एम कंप्लीट हो चुका है अह आपने जो बात बोली कि एक भाव एक व्यक्ति के हृदय से निकला हुआ रस यदि दूसरे तक पहुंच जाए तो वो सक्सेस हो गया वो एक तरीके से संपूर्ण हो गया कला लेकिन जब हम आज के परिवेश को देखते हैं जहां पे कमर्शियलाइजेशन हो चुका है बहुत ज्यादा तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कलाओं को जो अभी एक इनिशिएटिव आपके गुरु के तरफ से खुद था पे फॉर दी आर्ट्स तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतने वर्षों बाद भी आज कला को इस चीज़ से जूझना पड़ रहा है कि इतने बड़े कलाकारों को सामने आके बोलना पड़ रहा है कि आप प्लीज टिकट खरीदें आप पैसा दें अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को मंदिर से उठा के मंच में ला रहे हैं तो आखिर वो क्या कमियां रह गई कि जो पुराने लोगों ने किया और वो उसको पहले होना चाहिए था क्योंकि फिर अगर आप देखिए इसमें कोई कमियां नहीं है इसमें कोई खामी नहीं है आप बात को आ, इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि आ, हर आ, ये एक जनरल सेंस सेंसेस में आपको बता रहा हूँ बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर मायसेल्फ हर 20 साल में एक नया जनरेशन आता है एक फ्लक्स ऑफ नया जनरेशन आता है वो जनरेशन 20 साल पीछे होता है आगे होता है एम सॉरी ठीक है तो उसे ये नहीं पता होता है कि 20 से 25 साल पहले क्या हुआ था इमेजिन उसको 100 साल पहले की चीजें कैसे पता होंगी उसकी वैल्यूज कैसे पता होंगी फॉर एग्जाम्पल 20 नई बीस uh, लोगों की नई जनरेशन खड़ी हुई हमारी एक ए, मैं एक कलाकार जो ओवरऑल uh, कला को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसके लिए तरह से बात करता हूँ कि अगर मेरे पास बीस नई ऑडियंस है मैंने देखा बीस नए बच्चे आए हुए हैं तो उनके अंदर ये इंस्पायर करना ये इंस्टिल करना तो बहुत जरूरी हो गया कि पे फॉर दी आर्ट्स वरना देखिए आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम मंदिर से उठा के लेके आए हैं इसको बट क्या वो आज की जनरेशन समझ पाएगी क्योंकि आज की जनरेशन पॉसिबली घर के मंदिर में ही अच्छा मेडिटेशन कर सकती है ठीक है अब स्पेशली आज हम कोविड के ऐसे सिनेरियो में है कि सब कुछ आजकल होम बाउंड है चाहे वो वर्क हो चाहे वो वर्शिप हो एवरी uh, everything is very much home bound तो ऐसा जनरेशन जो इन सब परिवेशों में पला बढ़ा है जिन्होंने पॉसिबली मंदिर में कभी गायन होते हुए ना देखा है क्या उनके ऊपर ये प्रेशर लगाना जरूरी है कि आप जबरदस्ती समझो हेंस ऐसे बड़े बड़े गुरुओं को आज ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि वो बढ़ के आगे आ रहे हैं ये हमारे लिए और हमारे पीछे जो जनरेशन खड़ी है उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है कि इतने बड़े बड़े गुरु आगे बढ़ के आ रहे कह रहे हैं पे फॉर आर्ट्स बिकॉज दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरटेनमेंट दंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट्स विल चेंज आफ्टर एवरी ट्वेंटी ईयर्स अगर आप इवन सिनेमा में भी देखें तो हर बीस साल में मूवीज़ का परस्पेक्टिव बदल जाता है अगर आप फैशन में भी देखें तो हर दस से फैशन में तो बल्कि हर दस साल में पर्सपेक्टिव बदल जाता है ठीक है फैब्रिक बदल जाता है अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स, वर्ड्स डिजाइन बदल जाता है रिन्यू हो जाता है अचानक से आप एथनिक देखेंगे पॉसिबली पेरिस के स्टेज पे आप पंद्रह ही साल दस से पंद्रह साल के भीतर ही आप पॉसिबली इंडियन एथनिक को आप स्टेज पे पे देखेंगे किसी एक नए परिवेश में सो so, ये एक ग्राफ है जो मैंने नोटिस किया है हमेशा चलता है और इसके लिए हमें अपनी जनरेशन्स को रेडी करके रखना होगा हमें बात करना होगा हमें समझाना होगा हमें बताना होगा कि पे फॉर द आर्ट्स बिकॉज इट इज नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू सी आर पास्ट इन द मिरर ऑफ द प्रेजेंट टू नो द फ्यूचर ठीक है छोटा सा एग्जाम्पल आज भी लोग आई uh, मीन I mean, uh, आप देखेंगे कि

वो बहुत ही ज़रूरी है और वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन और आर्ट से ही रिलेटेड है ठीक है तो जब वो जेनरेशन अपने आप भूल जाता है तो पिछली जनरेशन के बड़े बुज़ुर्ग उठ के खुद जैसे हमारे दादी बाबा और जो जितने भी बुज़ुर्ग थे हमें सिखाया करते थे वो ही काम आज हमारे गुरु कर रहे हैं वो एक तरह से हमारी आर्ट्स के दादी बाबा हैं जो उठ के आज खड़े हो रहे हैं अपनी ही संतानों के लिए अपनी ही जनरेशन के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है मैं दोबारा कहूँगा परिवेश को समझना ज़रूरी है कला पानी के समान है अगर वो एक बाउल में रुकी रहेगी तो वो सड़ जाएगी उसका निरंतर एक से दूसरे लेवल पे बहते रहना ज़रूरी है लेवल जब मैंने बोला इसका ये मतलब नहीं है कि निचला लेवल या ऊंचा लेवल वो लेवल कुछ भी हो सकता है मगर उसका निरंतर अविरल बहना बहुत जरूरी है और उस अविरल बहने के लिए ऐसे ही बड़े गुरुओं का और हम लोगों का और हमसे पीछे जो जनरेशन खड़ी है उन सबका योगदान होना लगातार बहुत जरूरी है हिमांशु जी इसके साथ हम लोग आज के अंत में पहुंच चुके हैं इस आ, आपके इंटरव्यू के वैसे तो आप पूरे वर्ष प्रस्तुतियां करते हैं पेंटिंग बनाते हैं आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं आपने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं खुद लिखी हैं भरतनाट्यम में हिंदी की और अवधि की जब आपका समय होता है ना जिसको बोलते हैं आलस्य का समय या फिर रिलैक्सेशन मुझे कुछ नहीं करने वाला कि वो, वो वो समय आप कैसे व्यतीत करते हैं कि मतलब वो आप क्या करते हो कि जब आपका बिल्कुल लेजी टाइम जिसको बोल सकते आई आई विल बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ मैं बिल्कुल सच बोलूंगा आई एम अ बॉर्न हाइपर एक्टिव चाइल्ड विद अ हाइपर एक्टिव ब्रेन सो आप देख सकते हैं आई हैव दिस हैबिट ऑफ लाइक लिटरली लिविंग विद प्लांट्स मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं पेड़ पौधे लगा के बैठ जाता हूँ एंड सॉर्ट ऑफ माई माइंड इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब्स कलर्स वॉच जोमेट्री कोण सीखता है आ, आयत सीखता है मेरा दिमाग कहीं ना कहीं तो अगर मेरा कॉन्शियस माइंड आराम कर रहा होता है पेंसिव मूड में होता है तो जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिव होता है इस वजह से आई कंसिडर माई सेल्फ एज अपर एक्टिव पर्सन तो यूजली वॉट दी अदर थिंग्स दैट आई डू अपार्ट फ्रॉम गार्डनिंग इज़ आई ट्रैवल अगर मुझे खाली समय मिलता है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि महीने में चार से पाँच दिन अपने लिए निकाल सकूं जहां मैं कोई ऐसा टूर लेता हूं जो मेरे लिए थोड़ा सा लर्निंग हो और थोड़ा सा मुझे भी लगता है मैंने जैसा कहा कि कला का जितना बहना जरूरी है कुछ समय के लिए उस बहाव का थोड़ा सा घुमाव लेना भी जरूरी है

अपने जीवन की एक ऐसी प्रस्तुति जिसको करने के बाद आपको लगा हो कि आज मुझे अपने परमेश्वर से मिलने का मौका मिल गया और कोई एक ऐसी प्रस्तुति जिसको याद करते हुए ऐसा लगता है कि ये क्यों क्यों मैं कर रहा हूं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और मैं बस उसको याद ही नहीं करना चाहता हूँ ऐसी कोई, ऐसी कोई याद, तो तो सब कुछ यूजली लोग पहला वाला क्वेश्चन पूछते हैं कोई दूसरे वाले टाइप का क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है यूजली स देखिए परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये हमेशा होता है कि हम वी कम अक्रॉस ऑल सॉर्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस वी कम अक्रॉस ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टेज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑडियंसेस। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैड वन मे बी एंड देन विल गेट टू द गुड वन। आई थिंक एक ऐसा परफॉर्मेंस था जो मेरा यहाँ प्रयाग संगीत समिति में हुआ था एंड अपेरेंटली जब मैं स्टेज पे गया तो माइक एक ही ऐसा परफॉर्मेंस है क्योंकि मुझे मालूम है कि वो परफॉर्मेंस मैंने कैसे कैरी आउट किया था आपके ऊपर प्रेशर भी है क्योंकि आप अपने ही आ, आप अपने ही प्रांत में आप अपने ही जन्म स्थान में आप परफॉर्म कर रहे हो आपके माता पिता सामने बैठे हैं आपके नाते रिश्तेदार सामने बैठे हैं और आपके ऊपर एक प्रेशर होता है सो so, ग्रुप के साथ आए so, uh, हुए थे शायद विनय अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप भी थे उस टाइम पर तो जब संगीत समिति का स्टेज का माइक जो था आई थिंक उसमें थोड़ा अर्थिंग वायर का प्रॉब्लम था और जैसे ही मैंने ऑब्वियसली जब हमने पैर में घुंघरू डाल रखे होते हैं तो हम चप्पल नहीं पहन सकते उस वक्त मर्यादा के का उल्लंघन करना होता है वो तो जब मैंने माइक को टेस्टिंग के लिए हिट किया तो आई थिंक चार से कम का नहीं झटका रहा होगा एंड आई रियलाइज कि शायद पॉसिबली थोड़ा सा कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि अभी खड़े हो पाना मेरे लिए नामुमकिन है और प्रॉब्लम यह था मुझे पकड़ने के लिए कुछ और था भी नहीं वो माइक का स्टैंड ही था तो मुझे लगा अगर माइक में आ रहा है तो शायद स्टैंड में ना आ रहा और स्टैंड भी लोहे का बना था वो भी मैंने ध्यान नहीं दिया इट वॉज नॉट अ कोटेड स्टैंड तो मैंने जब स्टैंड पकड़ा तो मुझे दोहरा झटका लगा तो uh, उसके बाद uh, जितनी कोरियोग्राफी थी वो दिमाग से उतर चुकी थी ब्रेन वॉश हो चुका था और वापस जाने में भी पैर उठाने में चार बार सोचना पड़ रहा था कि पैर को गाइड करूं या ये अपने आप चला जाएगा उधर <laughs> तो थैंकफुली um, गुरु जी ने अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे दी थी कि आप uh, अपना जो बेस्ट कॉम्पोजिशन है जो आपने कोरियोग्राफ किया है आप उसको करें तो मैंने कैसे भी करके मैनेज कर लिया थोड़ा कम प्रेशर में बट uh, वो एक परफॉर्मेंस है जो मैं कभी नहीं याद करना चाहूँगा <laughs> और नहीं चाहूँगा कि वो चीज़ कभी भी किसी आर्टिस्ट के साथ हो कमिंग बैक टू द सेकेंड वन विच इज़ द कॉमन एक्सपीरियंस साइंस उसको एक्सप्लेन करता है कि पीनियल ग्लैंड यू uh, नो you know, सिक्रीस एंड डॉर्फिन सो एंड uh, सो so है -so uh, शास्त्रीय संप्रदाय में उसको आत्मा से परमात्मा का क्षणिक मेल बताते हैं वगैरह वगैरह उसको सब अपना अपना uh, तरीका है समझने का uh, मगर uh, जब मैंने uh, आपको अचरज होगा ये सुन के Uh, बहुत छोटा सा मुश्किल से आई थिंक uh, दो मिनट का रोल है मेरा उसमें uh, एक परफॉर्मेंस uh, है uh, हमारी गुरु जी का एक प्रोडक्शन है uh, सरोजा जी का नमामि गंगे के नाम से मॉडर्न <coughs> uh, परिवेश में समसामयिकी में गंगा का किस प्रकार से uh, आज के समय में गंगा को बचाना कितना जरूरी है उसके ऊपर uh, उनका ये प्रोडक्शन है तो मुझे आज भी याद है गंगा के घाट पे वो परफॉर्मेंस हुआ था और uh, जिसमें उसी परफॉर्मेंस में उनकी का, काफ़ी अच्छा उसका रिव्यू किया था और उनकी ग्रैंड डॉटर भी गंगा का रोल कर रही थी मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्टेज पे उसमें एक लाइन आती है मात्र जानवी और आपको भागना था और मेरे आँख के सामने गंगा की ऐसे धारा मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी मेरा जन्म हुआ है प्रयागराज में ही और बचपन से ही बहुत ही छोटी उम्र से मेरे दादी बाबा दोनों ही मुझे संगम तक ले जाते थे और जब हम क्या होता था बच्चे तो पानी में डुबकी लगाते नहीं हैं ज़बरदस्ती डुबकियाँ लगवाई जाती थी आ, बट वो एक ऐसा दिन था जब मैंने जिस वक्त मैंने आंखें उठा के मैंने उस लहर की तरफ देखा तो शायद वो सारा क्षण अपने आप एक बार में रिपीट हो गया और मुझे नहीं पता कि उस वक्त उस लहरों में उस उन तरंगों में और मानसिक और आंतरिक तरंगों में ऐसा कौन सा सायुज्यता आई और कौन सा ऐसा रेजोनेंस हुआ कि पाँच मिनट के लिए दिमाग एकदम शांत हो गया आ, ये भान होना बंद हो गया कि मुझे कोई देख रहा है या मैं कोई प्रस्तुति दे रहा हूँ या मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था कि मैं एक परफॉर्मेंस में हूँ और एक वो जो जिसको बोलते हैं ना सयुजता प्राप्त हुई कुछ क्षण के लिए और जब मुझे आज भी याद है जब मैं स्टेज से उतरा तो मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था मैंने घर पे भी बोला था कि मुझे आज ऐसा लगा कि शायद मैं गंगा नहा के आया हूँ तो चाहे वो उस गंगा के दर्शन से हुआ हो चाहे वो श्लोक से हुआ हो चाहे मेरे इन्वॉल्वमेंट से हुआ हो या तीनों को मिला के हुआ हो वो एक परफॉर्मेंस है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा ऐसे काफ़ी सारे हैं आ, मेरे अपने खुद के काफ़ी शिखंडी रस्से खान ब्रह्मास्त्र इन सब में भी ऐसे क्षण आए हैं बट ये एक ऐसा क्षण रहा है जो मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि आ, गंगा नहा के उस उस ठंड में ठंड का मौसम था जब ये क्षण था और उस ठंड के मौसम में ये फील करना कि आपने गंगा नहाया है और फिर भी आपका शरीर गर्म और वो आ, एक अलौकिक सा एक आ, आपके सामने और डेवलप होना वो बहुत बड़ी बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए सो so, ये बहुत ही अनूठा लम्हा था मेरे लिए uh, हिमांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस विशेष भाग में आने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय और माय बेस्ट विशेस टू यू एंड टू ऑल आर्टिस्ट हु दिस प्लीज़ डू सब्सक्राइब